दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRFC की बात करें, यहाँ पे कुछ टारगेट निकल के आ रहे अच्छे, जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या इस लेवल पे हमें IRFC में खरीदारी करनी चाहिए, सरकार की तरफ से नया जो बजट आने वाला उसमें क्या रेलवे सेक्टर को और कुछ राहत दी जा सकती है। वैसे ऑलरेडी जो इंटरिम बजट था उसमें भी बहुत कुछ अनाउंस हो चुका है, आने वाले समय बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होने वाले, ऐसे में क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। दूसरी तरफ हम रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL की बात करें तो ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है स्टॉक, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे। यहाँ पर भी कुछ बड़े अपडेट है जिसको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, क्या RVNL इस समय खरीदारी के लिए सही है। दूसरी तरफ अगर हम IRCTC की बात करें, यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर ने बिकवाली की सलाह दी, उनके हिसाब से इसमें गिरावट हो सकती है। क्या है पूरी खबर उसको अच्छे से समझेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले IRFC के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 176 पर क्लोजिंग थी, 2.50% की शानदार तेजी देखने को मिली, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है IRFC ने। अब आप देख ही सकते हो कि 3 तारीख को इसने एक ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई बनाई थी, 200 पे चला गया था स्टॉक। जिस दिन एग्जिट पोल आए थे तो उस दिन बहुत बड़ा जंप देखने को मिला था, स्टॉक की जो क्लोजिंग थी 31 मई की वो 177 के आसपास थी, वो सीधा 200 तक पहुंच गया। एक ही दिन में 23 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला, लेकिन रिजल्ट आया वो उसके मुताबिक नहीं था। उसके बाद में इस स्टॉक के अंदर गिरावट का माहौल बना और आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से उस लेवल से भी नीचे आ गया जो 31 मई को था, यानी इसने 164 का लो बना दिया। और देख सकते हो कि उसके बाद फिर से रिकवर होना शुरू हुआ है और इस समय 180 तक पहुंच गया है। काफ़ी समय के बाद अब ये समझ सकते हो कि यहाँ से नई तेज़ी बन सकती है और स्टॉक 200 को पार कर सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ नए टारगेट्स निकल के आए IRFC को लेकर, बाय की रिकमेंडेशन आ रही है। प्रभुदास लीलाधर ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है, उनके हिसाब से करंट लेवल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर ने इसमें 186 का टारगेट दिया है और ख़रीदारी की सलाह दी है। उन्होंने यहाँ पे 176 के आसपास स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है, तो बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में ये 186 तक जा सकता है। तो ये देख लो कि मंडे के लिए टारगेट है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रखने के लिए कहा है। प्रभुदास लीलाधर के हिसाब से आपको इसमें खरीदारी करके रखनी चाहिए और आने वाले समय जो इसका टारगेट है 195 के आसपास उन्होंने दिया हुआ है। स्टॉप लॉस अगर आपको 131 का लगा के इसमें बने रहना, 200 तक स्टॉक फिर जाता वो दिखाई दे सकता है, तो बिल्कुल प्रभुदास लीलाधर बहुत ज़्यादा बुलिश है। दूसरी तरफ BP वेल्थ ने भी इसमें बाय की रिकमेंडेशन दी है। उन्होंने इसमें कहा कि जो पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है, चार्ट पैटर्न बुलिश दिख रहे हैं, स्टॉक तेजी की तरफ आगे बढ़ सकता है और ऐसे में 189 तक जा सकता है, खरीदारी की सलाह है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि इस समय IRFC को लेकर काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं और इसके पीछे वजह भी है कि इस सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से भी बहुत सारे अनाउंसमेंट हो रहे हैं। सरकार इस बार फिर से रिपीट हो चुकी है और रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है, इस वजह से जो योजना है वो आगे भी बढ़ेगी। अब चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 409 पर क्लोजिंग थी, 5.84% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और इंट्राडे में 417 तक स्टॉक गया। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे LKP सिक्योरिटीज़ के रूपक डे ने RVNL में खरीदारी की सलाह दी है और यहाँ पे उन्होंने देख सकते हो कि 440 का ज़बरदस्त टारगेट दिया है। स्टॉप लॉस आपको 394 का लगाना है, 410 के आसपास खरीदारी कर ले या 440 तक जा सकता है, ये रूपक डे का कहना है। और उनका कहना है कि इसमें पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और जो चार्ट पैटर्न है वो कह रहा है कि स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, तो काफ़ी अच्छा मौका है कि RVNL में खरीदारी की जाए। इसके अलावा भी देखें तो दूसरे जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और उसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अब तक इस साल में इसमें 125% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। सिर्फ 6 महीने की बात करो आपका इन्वेस्टमेंट डबल किया स्टॉक ने। पिछले एक साल के दौरान देख सकते हो कि रेल विकास निगम लिमिटेड का जो रिटर्न है वो 230% के आसपास रहा है और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, ये सरकारी कंपनी देख सकते हो कि लगातार रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कर रही है, सेंट्रल रेलवे की तरफ से लगातार इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से भी 394 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को NTPC की तरफ से 495 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। इसके अलावा हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से 515 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो कुल मिला के देखें तो जो प्रोजेक्ट है वो 65,000 करोड़ के ऊपर है। तो ऐसे में जो ब्रोकरेज फर्म है उसमें खरीदारी की सलाह दे रहे, टारगेट 470 से लेकर 500 तक के देखने को मिल सकते हैं।
तो यहाँ पे जो रेलवे के शेयरों में जो तेजी देखने को मिली, इसके पीछे वजह बजट 2024। अब आप देख सकते हो कि इस बार जो बजट आ रहा है उसमें मोदी 3.0 गवर्नमेंट जो रिपीट हुए, तो उसमें बजट में आप देख सकते हो कि रेलवे को लेकर और कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, काफ़ी बड़ा निवेश आ सकता है, स्पेशली रेलवे की सेफ्टी के ऊपर निवेश किया जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों रेलवे एक्सीडेंट की काफ़ी ज़्यादा घटनाएं हुई और ऐसे में सरकार का जो फोकस होगा रेलवे सेफ्टी के ऊपर, उसमें बहुत सारा खर्च हो सकता है और ऐसे में रेलवे से संबंधित जो सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है वो रेलवे इंफ्रा के लिए पहले से ऑलरेडी बहुत सारे फैसले कर चुकी है और आने वाले समय में इसमें और जो कमियां वो भी पूरी होगी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर खास फोकस रखा जा रहा है, ऐसे में आप देख सकते हो कि इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां आरबीएल हो या आईआरसीटीसी हो या फिर आईआरसी, सबको बेनिफिट हो सकता है। गोल्डमैन सेच की तरफ से भी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाएगी और इसीलिए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को फिर से वो कारोबार संभालने को दिया है, वो फिर से इस मंत्री बने रेलवे के, तो वो पॉलिसी वही रहेगी, आगे बढ़ेगी। ऐसे में देख लो कि प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड को 191.53 करोड़ का एक साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से प्रोजेक्ट मिला है और ये 21 जून को जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें इन्होंने बताया गया, तो इसमें डिज़ाइन सप्लाई इंस्टॉलेशन का सारा कामकाज है और ये देख सकते हो कि राज केसवान से नायगर बालोनी सेक्शन के लिए होगा करीब 3000 MT लोडिंग और इसको प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करना 18 महीने के अंदर। तो लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय कंपनी के पास आ रहे, हर 2-3 दिन में एक प्रोजेक्ट कंपनी के पास आ रहा है, ऐसे में कह सकते हैं कि रेल विकास निगम लिमिटेड यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। बहुत सारे कंपनी ने जॉइंट वेंचर्स बनाए, इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में कंपनी काम कर रही है, तो दाव लगाना चाहिए आपको इस लेवल पर। अब चलते हम IRCTC की तरफ, तो IRCTC 1012 पर क्लोजिंग थी, 0.35% की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है और इसके पीछे वजह प्रभुदास लीलाधर ने इसके टारगेट को घटा दिया है। प्रभुदास लीलाधर के हिसाब से इसमें अभी फिलहाल बिकवाली की सलाह दी गई है, क्योंकि प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि स्टॉक नीचे आ सकता है, तो प्रभुदास लीलाधर ने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। तो यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर का कहना है कैटरिंग बिजनेस का जो EBITDA मार्जिन है उसमें 8.7% की गिरावट देखने को मिल रही है। इंटरनेट बैंकिंग का जो बिजनेस है उसमें भी देख सकते हो कि कुछ कमी देखने को मिली, क्योंकि जो UPI ट्रांजेक्शन है उसका शेयर बढ़ा है, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में असर देखने को मिला है। तो प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि जो करंट वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव है और यहाँ पे आने वाले समय कुछ गिरावट की संभावना बन रही है, तो यहाँ पे उन्होंने जो होल्ड की रेटिंग थी उसको रिड्यूस पे लाया है और जो टारगेट है उसको 825 का कर दिया है। तो कुल मिला के यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट की संभावना बन रही है और पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक ऑलरेडी दबाव में दिखाई दे रहा है। वैसे यह मिनी रत्न कंपनी, इसका बिजनेस तो ऑलरेडी मोनोपोली का है और देख सकते हो कि कंपनी लगातार बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज कर रही है और बजट होटल के अलावा स्पेशल टूर पैकेज करती है कंपनी का टोटल जो कैटरिंग का बिजनेस भी है, सभी ट्रेनों के अंदर कैटरिंग सर्विस देती है और आप समझते हो ऑनलाइन टिकट का बिजनेस भी इनके पास है, तो संभावना तो पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर ले तो यहाँ पे अच्छा ही मौका है, खरीदारी करके रख सकते हैं। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहा है। यहाँ पे हम बात करें ओरियन प्रो सॉल्यूशन लिमिटेड की, 2785 पर क्लोजिंग थी, 2.73% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी यहाँ पे 1-1 के इसमें बोनस देने जा रही है, इसकी एक्स बोनस डेट है 27/6/2024 और रिकॉर्ड डेट भी 27/6/2024 है, जिसके पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आएंगे तो आपको बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस बार Q4 काफ़ी अच्छा रहा था, रेवेन्यू 246.87 करोड़ के आसपास रहा, यहाँ पे 29.48% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 38.48 करोड़ रहा है, जहाँ पे 53.39% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड EPS 15.49 रहा, जहाँ पे 40% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.59% रहा, जहाँ पे 18.47% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। ओवरऑल देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, ऐसे में दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।